Hello students, how are you all? This is your English teacher Shikha और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं English 2 का chapter number 2. So पहले हम chapter की explanation पढ़ेंगे and उसके बाद हम exercise को solve करेंगे जिससे आपको पूरे chapter का concept अच्छे से समझ में आ जाए. So without wasting any more time, let's get started. So students, this is chapter number 2 and the name of the chapter is The Country Mouse and the Town Mouse. So, in this chapter, we will study two mice. One mouse was in the countryside, that is, in the village. And the other mouse was in the town. So, one day, they both visit each other. But the country mouse, that is, in the village, the mouse वो टाउन वाले माउस से मिलके वहां पे रह के ज्यादा खुश नहीं होता, ज्यादा खुश नजर नहीं आता और दोबारा वहां पे आने को मना कर देता है. तो वैसे क्यों करता है, उसके साथ ऐसा क्या होता है कि वो मना कर देता है वापस वहां जाने से, यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो अपना मेन स्टोरी पढ़ने से पहले हम अपना इंट्रोडक्शन सेक्शन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इंट्रोडक्शन सेक्शन में हमसे क्या करने के लिए बोला गया है. ए पार्ट देखते हैं. लिस्ट द थिंग्स यू फाइंड in the city and in the countryside. अब आपको यहाँ पे दो टेबल मिली है. एक में लिखा है things that the city has, things that the countryside has. अब यहाँ पे आपको ये टेबल फिल करनी है. आपको लेफ्ट साइड लिखना है वो थिंग्स जो सिटी में मिलती है, कंट्री साइड में नहीं मिलती. एंड राइट साइड पे आपको लिखना है वो थिंग्स के नेम्स जो कंट्री साइड में मिलती है, सिटी में नहीं मिलती. ओके स्टूडेंट्स. एंड बी पार्ट में आपको क्या करना है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द सिटी इन द फर्स्ट बॉक्स एंड ऑफ द कंट्री साइड इन द सेकेंड बॉक्स. अब आपको यहाँ पे दो बॉक्सेस मिले हैं, एक में लिखा है सिटी एंड एक में लिखा है कंट्री साइड. अब जो सिटी वाला बॉक्स है उसमें आपको एक सिटी की पिक्चर ड्रॉ करनी है एंड जो कंट्री साइड वाला बॉक्स है उसमें आपको एक कंट्री साइड की पिक्चर ड्रॉ करनी है. ओके स्टूडेंट्स. तो अबाउट द लेसन हम पढ़ चुके हैं कि इस जो लेसन में बेसिकली लेसन किस बारे में है. तो चलिए अपना मेन लेसन स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. द कंट्री माउस लिव्ड इन द कंट्री. ही वॉज अ फील्ड माउस. ही लिव्ड इन अ होल इन अ फील्ड. इन द विंटर द ग्रेन्स ऑफ व्हीट फेल ऑन द ग्राउंड. The country mouse picked up the grains and took them to feed his family. In the summer, he had to look hard for food. The fields were dry. The sun shone down the earth. The farmers also stayed at home. So, सबसे पहले यहाँ हमें बताया जा रहा है country mouse के बारे में. जो कंट्री माउस है वो कंट्री में रहता है, यानी कि गांव के एरिया में रहता है. वो बेसिकली फील्ड माउस होता है, मतलब वो खेत में रहता है. और खेत में वो कहाँ रहता है, खेत में वो एक होल में रहता है, अपना उसने बिल बना रखा था उसमें रहता है. जब विंटर्स आती हैं तो जो क्रॉप ग्रो करते हैं उसमें, जैसे वीट की क्रॉप जो फार्मर्स ग्रो करते हैं, तो वीट के कुछ दाने ना ग्राउंड पे गिर जाते थे, तो वो क्या करता था, उन वीट के ग्रेन्स को ले जाकर अपनी फैमिली को फीड कराता था. तो विंटर्स में तो उसको फूड की शॉर्टेज नहीं होती थी, लेकिन जब समर्स आती थी तो समर्स में ज्यादा क्रॉप ग्रो नहीं होती, प्लस जो फार्मर्स हैं वो भी घरों पे रहते हैं, लैंड ड्राई हो जाती है बिल्कुल, ऊपर से जो सन है वो भी बहुत तेजी से चमकता है, मतलब सब कुछ फील्ड्स वगैरह लैंड वगैरह बिल्कुल ड्राई हो जाती है. तो ऐसे में उसको थोड़ी सी शॉर्टेज हो जाती थी फूड की. इन द रेनी सीजन द रेन्स फिल्ड द फील्ड्स. द कंट्री माउस हैड टू मेक अ होल नेक्स्ट टू अ ट्री. ही एंड हिज फैमिली एट मैंगोज एंड जामुन्स दैट फेल फ्रॉम द ट्री. समटाइम्स द फार्मर्स ड्रॉप्ड फूड ऑन द ग्राउंड. द कंट्री माउस एंड हिज फैमिली ate the food. Soon the rice was ready. There were plenty of rice grains on the ground for the mice to eat. The country mouse and his children, the little mice,
were happy all through the year. अब समर्स के बाद फिर रेनी सीजन आता था, तो रेनी सीजन में जो फील्ड था, जो खेत था, वो पानी से भर जाता था. अब ऐसे में जो कंट्री माउस है उसको अपना वो होल यानी कि वो घर छोड़ के एक पेड़ के पास अपना घर दोबारा बनाना पड़ता था और पूरी फैमिली के साथ वो वहां पे शिफ्ट हो जाता था. गर्मियों में उसको और उसकी फैमिली को खाने के लिए मैंगोस मिल जाते थे, जामुन्स मिल जाती थी जो ट्री पे से टूट के गिर जाती थी. कभी कभी जो फार्मर्स हैं वो भी कुछ खाना अपना ग्राउंड पे गिरा देते थे, तो जो माउस था और उसकी फैमिली वो आते थे और उस खाने को खाके अपनी भूख को शांत कर लेते थे. उसके बाद रेनी सीजन में क्या होता था कि राइस जो क्रॉप है वो ग्रो होती थी, तो क्रॉप हार्वेस्ट हो जाती थी, मतलब वो रेडी होती थी राइस की जो क्रॉप है, तो उनको प्लेंटी में मतलब बहुत सारे राइस के ग्रेन्स मिल जाते थे ग्राउंड पे पड़े हुए, और जिससे वो पूरी फैमिली उसे अच्छे से भर पेट खाती थी. तो कंट्री माउस और जो उसके चिल्ड्रन थे, जो छोटे छोटे माइस थे, वो पूरे साल बहुत खुश रहते थे और लगभग पूरे ही साल उनको पेट भरकर खाने को खाना मिलता था. वन डे द कजन ऑफ कंट्री माउस द टाउन माउस केम टू विजिट हिम. ही डिडंट लाइक द कंट्री एट ऑल. He said to his cousin, I live in a large and beautiful house. At night, I sleep on soft pillows. I eat cheese and bread, meat and vegetables. I don't have to go to a new home when it rains. I don't have to look for food. Come and visit me. अब एक दिन क्या होता है, जो कंट्री माउस है उसका कजन यानी कि टाउन माउस जो टाउन में रहता है वो उससे मिलने के लिए आता है. लेकिन जब वो मिलने के लिए आता है तो उसको जो कंट्री है मतलब जो गांव का एरिया है वो ज्यादा अच्छा नहीं आता, तो वो अपने कजन से यानी कि कंट्री माउस से बोलता है कि मैं तो वहां पे एक बहुत बड़े और बहुत सुंदर घर में रहता हूँ, रात को मैं वहां पे एक सॉफ्ट पिलो पे सोता हूँ, मुझे खाने के लिए चीज और ब्रेड मिलते हैं, मीट एंड वेजिटेबल्स खाता हूँ मैं तो, और मुझे रेनी सीजन में अपना घर भी नहीं शिफ्ट करना पड़ता, मैं तो उसी घर में आराम से मजे करके रहता हूँ, मुझे खाने की ढूंढने के लिए भी नहीं जाना पड़ता, मुझे तो अपने उसी घर में बहुत सारा फूड आराम से मिल जाता है, और तुम आओ किसी दिन और मुझसे मिलने आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितने आराम से और कितने आनंद में कितनी खुशी खुशी वहां पे रह रहा हूँ. द कंट्री माउस वेंट टू विजिट हिज कजन In the town, his cousin took him to a big house. There was a tiny hole in the wall. The two mice went into the hole. They had to stay there the whole day. A big cat roamed around the house. At night, the mice crept out. They got onto the dining table. They ate the crumbs of food. Sometimes they did eat a crumb of cheese or a tiny bit of meat. When the cook left the kitchen dirty, the mice had more to eat. Sometimes there was no food. The mice had to look for food in the garbage bin. अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सुन के कंट्री माउस भी सोचता है कि ठीक है मैं इससे मिलने के लिए टाउन में जाऊंगा. तो वो एक दिन अपने कजिन को मिलने के लिए टाउन पहुंच जाता है. उसका कजिन उसको लेके एक बड़े घर में पहुंच जाता है. उस घर की दीवार में एक बड़ा सा होल होता है, तो वो क्या करते हैं, दोनों उस होल के अंदर जाके बैठ जाते हैं. उनको पूरा दिन उसी होल में बैठना पड़ता है क्योंकि बाहर पे एक बहुत बड़ी कैट आसपास घूम रही थी, अगर वो बाहर निकलते तो वो उन दोनों को खा जाती, तो वो पूरे दिन वेट करते हैं रात होने की जिससे रात को वो बाहर निकले. जब रात हो जाती है तो वो दोनों माइस बाहर आते हैं और वो कहाँ जाते हैं, सीधा डाइनिंग टेबल पे जाते हैं. डाइनिंग टेबल पे जाके वो जो लेफ्ट ओवर जो बचा खुचा फूड होता है उसको खाते हैं. कभी उन्हें कोई चीज का टुकड़ा मिल जाता है तो उसको खा लेते हैं, कभी कभी उन्हें मीट का छोटा सा टुकड़ा मिल जाता है तो वो उसको खा लेते हैं. और जब कुक उस घर में जो कुक था, जब वो किचन को गंदा छोड़ जाता था यानी कि डर्टी छोड़ जाता था,
प्लेट्स वगैरह साफ नहीं करके जाता था, तो वो दोनों जो माइस जो है उन्हें कुछ ज्यादा खाना मिल जाता था खाने के लिए, लेकिन कभी कभी उन्हें कुछ भी फूड नहीं मिलता था क्योंकि कुक जो है वो किचन को बिल्कुल क्लीन करके जाता था एंड डाइनिंग टेबल पे भी जो प्लेट्स थी उसमें कोई भी खाना उन्हें बचा हुआ नहीं मिलता था। तो ऐसे में अपनी भूख को मिटाने के लिए वे दोनों क्या करते थे, जो डस्टबिन होते हैं ना, गार्बेज बिन, उसमें जाते थे और अपने लिए फूड को ढूंढते थे। मैनी टाइम्स दे वुड हियर फुटस्टेप्स, द फीट केम क्लोज टू देम, दे हैड टू रन ऑफ टू हाइड इन द टाइनी होल, ओनली वंस दे सेट फॉर अ लिटिल वाइल ऑन द सोफा, द कंट्री माउस वॉज नॉट हैप्पी, ही मिस्ड द ओपन कंट्री फील्ड्स, ही मिस्ड हिज चिल्ड्रेन, ही सेड थैंक यू सो मच ब्रदर, आई मस्ट गो होम नाउ, यू मे स्टे इन दिस बिग टाउन हाउस, इट इज टू फ्राइटनिंग फॉर मी, आई लव माई लाइफ इन द कंट्री। अब कभी कभी उनको ना फुटस्टेप्स यानी कि किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती थी और कभी कभी ऐसा लगता था कि वो जो फुटस्टेप्स है वो उनके बिल्कुल पास में आ गए हैं, तो ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए वो क्या करते थे, भागकर उसी बड़े होल में छिप जाते थे जिसमें वो फर्स्ट डे छिपे थे जब जो कंट्री माउस है वो टाउन विजिट करने के लिए आया था। और इतने दिनों में केवल एक ही बार वो सोफे पे सॉफ्ट कुशन पे बैठ पाए थे, बाकी टाइम तो वो अपनी जान बचाते ही फिरते थे। अब जो कंट्री माउस है उसको यहाँ पे अच्छा नहीं लगा, उसको अपना घर याद आने लगा, उसको अपने चिल्ड्रन की याद आने लगी। तो एक दिन वो अपने कजिन से बोलता है, थैंक यू सो मच ब्रदर कि तुमने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, लेकिन अब मुझे अपने घर जाना चाहिए, तुम यहाँ इस बड़े घर में रह सकते हो लेकिन मेरे लिए यहाँ रहना बहुत ज़्यादा डरावना है, मैं ऐसे डर के नहीं रह सकता, मुझे अपना फील्ड ही पसंद है जहाँ पे मैं आराम से बिना किसी से डरे फूड को गैदर करता हूँ और उसे खाता हूँ और अपनी फैमिली को भी खिलाता हूँ, मुझे अपनी लाइफ बहुत प्यारी है और मैं अपनी लाइफ को कंट्री साइड यानी कि अपने घर में ही इंजॉय करना चाहता हूँ। सो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी से क्या मोरल मिला आपको कि अपना घर वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वहाँ पे पेट भर के खाना हो या ना हो, या आपको खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता हो, लेकिन अपना घर जो है वो घर ही होता है। दूसरों के घर को देख के हम अट्रैक्ट जरूर हो सकते हैं लेकिन वहाँ पे एक्चुअल होता क्या है, वो लोग कितने प्रॉस्पेरस हैं कितने नहीं, ये हमें वहाँ रह के ही पता चलता है। तो इसलिए आपके पास जितना है हमें उतने में ही सेटिस्फाइड रहना चाहिए और कभी भी किसी को देख के ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास है वो बाकी और लोगों के पास इतना भी नहीं है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज पार्ट की तरफ और देखते हैं एक्सरसाइज पार्ट में हमें क्या सॉल्व करने के लिए मिला है। एक क्वेश्चन मिला है हमें जिसमें हमें करना है टिक द करेक्ट आंसर, हमें करेक्ट आंसर को टिक करना है। फर्स्ट इज द टाउन माउस एंड द कंट्री माउस आर cousins, option D is correct. Second question, the house of the country mouse was a field in a village. Third question, the house of the town mouse was full of delicious food, option A. Fourth, at the end of the story the country mouse went back to his country, option A is correct. B देखते हैं, fill in the blanks with correct words from the help box. यहाँ पे आपको ये help box मिला है और इसमें कुछ words हैं। ये words आपको नीचे लिखने हैं correct place पे और ये sentence को complete करना है। तो first question देखते हैं, in the winter the grains of fell on the ground. Winter में किसके grains गिरते थे? Wheat के grains गिरते थे। Second, the filled the fields, the rains. Rains आपको यहाँ पे लिखना है। Third, there were plenty of grains on the ground for the mice to eat. There were plenty of rice grains. Fourth, the mice had to look for food in the garbage bin. Many times they would hear footsteps. And sixth, he missed the open field, country field. ये होगा आपका sixth का आंसर। C देखते हैं। Write
ट्रू और फॉल्स. अब आपको ये स्टेटमेंट पढ़ने हैं और लिखना है ट्रू या फॉल्स. फर्स्ट क्वेश्चन, द कंट्री माउस लिव्ड इन द टाउन. द कंट्री माउस था वो टाउन में रहता था. नो, फॉल्स, ही लिव्ड इन द कंट्री. सेकेंड, द कंट्री माउस हैड टू मेक अ होल नेक्स्ट टू अ ट्री. यस, ड्यूरिंग द रेनी सीजन. थर्ड क्वेश्चन, राइस ग्रेन्स वर नॉट एनफ फॉर द माइस टू ईट. फॉल्स, दे वर एनफ फॉर हिम एज वेल एज हिज फैमिली. फोर्थ, द टाउन माउस विजिटेड द कंट्री माउस. ट्रू. एंड फिफ्थ, द कंट्री माउस लाइक द लाइफ ऑफ द टाउन माउस. नो, फॉल्स, ही डिडंट लाइक द लाइफ देयर. सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक्सरसाइज. आई होप आपको चैप्टर एंड उसकी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई है. एंड दिस वॉज अवर टूडेज वीडियो. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के साथ. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.